जो खेल होगा सेकंड राउंड का तीसरा मैच मैदान के बीचों बीच खेला जाएगा, जिसमें खेलेंगे वीर सिंधु कानू स्पोर्टिंग क्लब बनाम पीक 11 सरायकेला के बीच में खेला जाएगा। ब्लू कलर की धरती पे वो है पीक 11 सरायकेला। चलते हैं मैदान के बीचों बीच, मैदान के बीचों बीच खेल चलते हैं वीर सिंधु कानू स्पोर्टिंग क्लब बनाम पीक 11 सरायकेला के बीच में। अपने भगवान सरायकेला के पक्ष में सरायकेला अपने नाक का लंबा सा खेल का प्रयास हमारे साथ के प्लेयर को बड़े डीबॉक्स के अंदर गेंद को डाला गया। पुनः सरायकेला अपने जैसे नंबर 10 के लिए गेंद को डाला गया, जैसे नंबर 10 पुनः के जैसे नंबर 12 के लिए गेंद को डाला गया था, जैसे नंबर 12 पुनः और साथ ही प्लेयर आगे पुनः लंबा सा खेलने का प्रयास और उसके साथ रिफरी के द्वारा फुल का इशारा। अपने चक्रे कीपर प्राप्त चलता हुआ मैदान के बीचों बीच वीर सिंधु कानू स्पोर्टिंग क्लब बनाम पीक 11 सरायकेला के सरायकेला शूटर और अपनी बार हेडर के जरिए डिफेंसिव लाइन को क्लियर करने का प्रयास करके सिंधु कानू के प्लेयर्स को मारकर साथ ही प्लेयर्स जैसे बनाने के लिए को डाला गया जैसे मार कर लेकिन 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 सुभाग सरायकेला चेस्ट के जरिए गेंद को रोके। उन्होंने कहा सरायकेला जैसे बताए उन्होंने कहा सुंदर चकमा बहुत प्लेयर्स को बीट करते हुए यहाँ पे। लेकिन अगर बात किया जाए फुटबॉल के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको एक रणनीति अपनानी होगी जिसके जरिए आप रन हासिल कर पाएंगे अन्यथा नहीं। डिफेंडर लाइनिंग की रणनीति को जानना होगा जिसके जरिए आप रन हासिल करेंगे। अपना उसके साथ आज समापन दिन का सेकंड राउंड का अंतिम मैच खेला जाएगा जिसमें खेलेंगे एस कुमार बनाम मंगल स्पोर्टिंग क्लब खमारी साई। आप दोनों ही दिल भी प्यार के साथ रहेंगे जैसे खेल समाप्त होती है आपको मैदान में प्रवेश करना है। इसके धुन में चक्का से चक्का लगाते हुए कुभाकर सुंदर कुभाकर और लेकिन फायर से गेंद को निकालने का प्रयास किया गया था लेकिन थोड़ी सी हुई कुभाकर सीधे कर गए पक्ष में गेंद सीधे कर कुभाकर और अब कीपर कीपर को पास देते हुए और अब कुभाकर सुनल कीपर सरे के लखो लेकिन थोड़ी सी चुप हुई कुभाकर खतरा हो सकता है सरे के लखो के लिए और खतरा बढ़ाती हुई सरे के लखो के लिए और अब और कीपर अच्छा कीपर की भूमिका निभाते हुए सिंधु कानू के गोलकीपर सुंदर सुंदर चकमा देते हुए कीपर को चले गया एक्शन को ब्रेक बनाते हुए इस दिवस पूर्व की प्रतियोगिता का सेकंड राउंड दल पूरे तैयारी के साथ मैदान के बॉडी लाइन पर लग जाएंगे। जैसे खेल समाप्त होती है आपको मैदान में प्रवेश कर जाना है। तो देखते हैं एक्शन और पूरा का यह खतरा हो सकता है सिंधु कानू के लिए लेकिन डिफेंडर मौजूद गेंद को बाहर निकलने में सफल। कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए सिंधु कानू की तो कहीं डिफेंसर लाइनिंग की थोड़ी सी चूक हुई या कीपर की थोड़ी सी चूक हुई जिसके जरिए एक शून्य का ब्रेक हासिल कर पाए सरायकेला। सरायकेला अपने पक्ष में साथी प्लेयर को पास देते हैं साथी प्लेयर थोड़ी सी चूक हुई गेंद से बाहर कैसे बाहर जाता है सरायकेला साथी प्लेयर को पास देते हैं बड़े पीपोक्स के अंदर गेंद को डाला गया है। अपने सवाल डिफेंसर मौजूद डिफेंसर लाइनिंग को क्लियर करने का प्रयास पुनः जैसे नंबर फोर सिंधु कानू के अशुद्ध डिफेंडर लाइनिंग को क्लियर करते हुए सिंधु कानू के
खेल के तुरंत बाद में आएंगे एस कुमार बनाम मंगल स्पोर्टिंग क्लब हमारे साई। अब दोनों ही दल के कप्तानों से आग्रह कि जितने जल्द हो सके अब अपने टीम को पूरी तैयारी के साथ मैदान के बॉडी लाइन से लगा देंगे, जिससे खेल समाप्त होती है आपको मैदान में प्रवेश कर जाना। और पुनः शुरू कर को पक्ष में शुरू कर पुनः कमा आक्रमण करने का प्रयास आ जाएगा अपन हवा सी दुकानों के पक्ष में सी दुकानों पर हवा थोड़ी सी चुप्पी सी दुकानों की ओर से आपकी बात सुंदर चकमा देते हुए सारे का लक्षण नंबर खतरा हो सकता है सीधे कर गए खतरा कर गए आपकी बात खेल तेजी से कपड़े पहनाते हुए किक कले में चले गया और तेजी से कपड़े पहनाते हुए मैदान के बीचों बीच हमारे इस टूर्नामेंट में कल प्रथम दिन में देखा